प्रणाम भ्राताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम भाभीश्री। आयुष्मान भव विदुर जी। अनुज विदुर। हां भ्राताश्री। प्रणाम करते समय तुम्हारे स्वर कंपन से तुम्हारे हृदय का हर्ष छुपाए नहीं छुप रहा था। हां भ्राताश्री, आप ठीक कह रहे हैं। जीवन इतना जटिल हो चुका है कि थोड़े से हर्ष का आभास होते ही स्वर में कंपन पैदा हो जाती है। तुम बहुत प्रसन्न लग रहे हो। हां भ्राताश्री, मैं बहुत प्रसन्न हूं। समाचार ही इतना हर्षदायक है कि यदि आप भी सुनेंगे तो गदगद हो उठेंगे। अच्छा, क्या पांडवों ने क्षत्रिय धर्म की परंपरा तोड़ दी है? क्या उन्होंने द्युत क्रीड़ा में भाग लेने से इनकार कर दिया है? यदि ऐसा है तो सचमुच ही यह शुभ समाचार है पितर। नहीं भ्राताश्री, पांडव तो द्युत क्रीड़ा के निमंत्रण को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं, और फिर उनसे क्षत्रिय धर्म को तोड़ने की आशा कैसे की जा सकती है? तो फिर क्या शुभ समाचार लेकर आए हो? भ्राताश्री, उनके घर में एक बालक ने जन्म लिया है। कुलवधु मौरवी ने एक बालक को जन्म दिया है। पुत्र भीम तो अब दादा और आप और मैं तो परदादा बन गए हैं। यह भी कोई शुभ समाचार हुआ विदुर? शुभ समाचार क्यों नहीं हुआ अरे पुत्र? मौरवी का पुत्र हमारे वंश का पहला परपोत्र है। यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। और इस प्रसन्नता का श्रेय भी देवकी नंदन को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मौरवी और घटोत्कच का जोड़ मिलाया था। माता और शिशु कुशल तो है ना विदुर जी? हाँ भाभीश्री, वो सब ठीक है। प्रणाम महाराज। आपने शुभ समाचार सुना भ्राताश्री? सुना बहना, अवश्य सुना। पांडवों के विषय में तो कोई भी समाचार शुभ या शुभ मेरे कान बहुत दूर से सुन लेते हैं। विदुर जी, शिशु का नामकरण हो गया क्या? हाँ, बालक के सर पर घने और घुंघर वाले बाल होने के कारण वधु हिडंबा ने उसका नाम बरबरीक रखा है। बरबरीक हमारी सूची में एक और नाम बढ़ गया है। ये क्या भ्राताश्री? क्या हम नवजात शिशुओं को भी शत्रु माना जाने लगा है? मेरा तात्पर्य ये नहीं था बहना। मैं तो ये कहना चाहता था कि कुरु वंश में एक और सदस्य की वृद्धि हो गई है। कितना शुभ समाचार है। अवश्य है। मेरा तो जी चाहता है कि मैं अब भी जाकर उसे देखाऊं। तुम बड़ी भावुक हो बहना। अपनी भावुकता में ये भी भूल गई हो कि अपनी इच्छा से तुम अपने पति देव के नेत्रहीनता की भागीदारनी बनी हो। तुम तो उस शिशु को देख भी नहीं सकती। देख नहीं सकती तो क्या हुआ? अरे पुत्र, अरे पुत्र, मैं उसे छू तो सकती हूँ ना, कुलेल तो सुन सकती हूँ उसकी, गोद में उठाकर चूम तो सकती हूँ उसे। मैं तुम्हारी ममता भावना को समझ रहा हूँ गांधारी, किंतु परिस्थितियां हम सबको ऐसे मोड़ पर ले आई हैं कि तुम वहां नहीं जा सकते। विदुर, पुत्र भीम तो इस समय अपने परिवार के साथ ही होगा ना? कहां भ्राताश्री, द्युत क्रीड़ा के कारण पुत्र भीम के पास समय ही कहां है कि अपने पोत्र का मुख देख पाए। ये तो बड़ा अन्याय है। परिवार में पहला परपोत्र हुआ और भीम उसे देखने भी नहीं जा सकता। मेरा मन व्याकुल हो रहा है। कैसा अत्याचार है आर्य पुत्र ये? परंतु किया ही क्या जा सकता है गांधारी? किया तो बहुत कुछ जा सकता है भ्राताश्री, किंतु उसके लिए थोड़े से मनोबल की आवश्यकता है। हाँ तो विदुर, क्या किया जा सकता है?
यदि थोड़े समय के लिए द्यूत क्रीड़ा को टाल दिया जाए तो पुत्र भीम भी अपने पौत्र का मुख देख सकता है। तुम कैसी बात कर रहे हो अनुज? ठीक ही तो कह रहे हैं विदुर जी, द्यूत क्रीड़ा बाद में भी हो सकती है आर्य पुत्र, शिशु का जन्म रोज रोज तो नहीं होता। तुम लोग सदैव ही उल्टी बात करते हो, द्यूत क्रीड़ा कैसे टल सकती है? पुत्र दुर्योधन तो उसका समय भी निश्चित कर चुका है। तो क्या हुआ, पुत्र दुर्योधन युवराज है, महाराज आप हैं, आप समय बदल दीजिए, तो किसमें साहस है कि आपकी बात को टाल सके? किंतु पुत्र युधिष्ठिर भी तो निमंत्रण स्वीकार कर चुका है गांधारी, वो क्षत्रिय परंपरा को तोड़ने के लिए कदापि तैयार नहीं होगा। परंपरा परंपरा परंपरा, क्या क्या ही परंपराएं तोड़ी नहीं जा सकती, और वो भी द्यूत क्रीड़ा जैसी दुष्ट परंपरा जिसका परिणाम सर्वनाश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है आर्य पुत्र। तुम्हें दूसरों की बड़ी चिंता है गांधारी, अपने पुत्रों का कोई ध्यान नहीं है। जानती हो, यदि द्यूत क्रीड़ा में बाधा डाली गई तो दुर्योधन आत्महत्या कर लेगा। क्या तुम चाहती हो कि हम अपने पुत्र से हाथ धो लें? मैं ऐसा कब कह रही हूँ आर्य पुत्र, मैं तो केवल ये कह रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए द्यूत क्रीड़ा टाल दी जाए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहना, द्यूत क्रीड़ा भला अब कैसे टल सकती है, सारी तैयारियां हो गई हैं, और ये मेरे पास से अपना चमत्कार दिखाने के लिए इतने व्याकुल हैं कि बार बार मेरे हाथों से फिसले जाते हैं। बहना तुम भी इनका चमत्कार देखोगी ना तो दंग रह जाओगी। बड़े उत्सुक दिख रहे हैं प्राताश्री, आप अपनी उत्सुकता में ये भूल चुके कि मैं अपनी इच्छा से अपने पति की नेत्रहीनता की भागीदार बनी हूं। मैं आपके पासों का चमत्कार नहीं देख सकती, और कदाचित इच्छा भी नहीं है कि मैं उस विनाश को देख सकूं जिसने आपके पासों के चमत्कार का भेष ही बदल रखा हो। क्रीड़ा करके द्यूत की करोन अपना नाश, पौत्र जन्म की शुभ घड़ी बने हर्ष उल्लास।